नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिल्मी बातें ऑन ह्यूस्टन लाइव नेटवर्क। मेरा नाम आरिफ है और आपसे एक बार फिर मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगता है। और क्या बताएं आपको, माशाल्लाह इतने अच्छे ईमेल्स आ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लिखते हैं। और ये जो क्रेडिट है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारी पूरी टीम का क्रेडिट है। चाहे हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोनी चौहान हैं, हमारे जो कैमरामैन हैं अली भाई हैं, एंड एवरीबडी ऑन द टीम पुट्स इन एन एफर्ट टू मेक दीज थिंग्स अ काइंड ऑफ एन एपिसोड दैट यू वुड लव टू सी अगेन एंड अगेन। और ना सिर्फ ह्यूस्टन में बल्कि अब तो इसकी चर्चा सारी दुनिया में होने लगी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अप्रिशिएटिंग द हार्ड वर्क दैट इज़ पुट इन बाय द टीम ऑफ ह्यूस्टन लाइव नेटवर्क। खास करके यहाँ मैं शाहीना बाजी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका ईमेल मिला, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली हम्बल्ड बाय द काइंड वर्ड्स दैट यू रोड। एंड आपकी एक रिक्वेस्ट थी कि हम राजेंद्र कुमार पर एक एपिसोड करें, तो लीजिए शाहीना बाजी, दिस एपिसोड इज डेडिकेटेड टू यू एंड राजेंद्र कुमार साहब। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। चलो कमल बेटा, किसी के रंग में भंग डालना अच्छी बात नहीं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। पिताजी, सर नीचा करके इस तरह इच्छा भगवान की कहने की बजाय सर ऊंचा करके अगर आपने अपनी इच्छा चलाई होती तो आज इस घर की यह हालत न होती। जानती है मेरा जी क्या चाहता है? क्या? बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे पास बैठा रहूं और तुम्हारी आंखों में देखता रहूं। हमने जफा ना सीखी, उनको वफा ना आई। हमने जफा ना सीखी, उनको वफा ना आई। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। अगर आप इस घर में रिश्ते की मर्जी से आए हैं तो गोल कर दीजिए। क्यों जी? हमारे घर की हालत बहुत पतली है, कंपनी का दिवाला निकलने वाला है। बाकी रहा मैं, बिल्कुल नकार आदमी, महीने में 4 पैसे नहीं कमाता। पर साहब, मैंने तो सुना है कि पिछले साल आप लोगों ने 2 लाख रुपए इनकम टैक्स में दिए हैं। अजी, आप पिछले साल की बात कर रहे हैं, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। ये इनकम टैक्स, ये सुपर टैक्स, ये एडवांस टैक्स, श्रीमान जी क्या बताएं, बस टैक्स ही टैक्स रह गया है। ये तो होते ही रहता है, बिजनेस में ऊंच नीच तो हमेशा का कायदा है, इसमें फिक्र की कौन सी बात है? फिक्र की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। राजेंद्र कुमार साहब, कहने जाए तो मेरे हिसाब से ही ऑलवेज यूज टू कॉपी एंड एप दिलीप कुमार साहब। जब आप उनकी फिल्में देखते हैं, जब उनके आप इमोशनल सीन्स देखते हैं, उनके लव सीन्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर दिलीप कुमार साहब की, यूसुफ साहब की झलक आपको नज़र आती है। भाई, यूसुफ साहब तो एक अलग ही किरदार, एक अलग ही एक्टर, एक अलग ही जगह उनकी थी। लेकिन कहा जाता था कि उस वक्त जोक होता था फिल्म इंडस्ट्री में कि राजेंद्र कुमार साहब इस पुअर मैंस दिलीप कुमार, यानी जो प्रोड्यूसर दिलीप कुमार साहब को अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो राजेंद्र कुमार साहब को फिल्मों में लेते थे। उनका जन्म हुआ 20 जुलाई 1929 को और उनका देहांत, यानी उनकी डेथ हुई 12 जुलाई 1999। ही वॉज जस्ट 8 डेज शॉर्ट ऑफ हिज 70th बर्थडे। एंड कहते हैं ना, इंसान का कोई भरोसा नहीं होता कब चला जाए और कब रह जाए, लेकिन ख़ास करके जो आर्टिस्ट होते हैं, जो किरदार होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं फिल्मी दुनिया में, चाहे वो गायक हो, कैरेक्टर्स एक्टर्स हो या हीरोज़ हो, वो मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। अमर इसलिए होते हैं क्योंकि आज भी हमें अगर चाहिए तो हम उनकी फिल्मों को रिवाइंड करके देख सकते हैं, उनके गानों को सुन सकते हैं, उनके डायलॉग्स, उनकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। इसीलिए ऐसे आर्टिस्ट जो होते हैं, या कोई भी आर्टिस्ट हो,
वो मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं और हमारे एक कोने में, दिमाग में, कहीं याददाश्त में वो हमेशा रहते हैं जब भी हम वो गाना या उनके बारे में सुनते हैं। आज हम बात करेंगे, जैसा हमने बताया, राजेंद्र कुमार साहब को 1949 से लेकर 1998 तक उनका कैरियर चला, दैट इज 49 ईयर्स। सोचिए, मतलब आधी से ज़्यादा जिंदगी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दे दी। और ना सिर्फ एज एन एक्टर, ही वॉज अ कैरेक्टर एक्टर, एज अ हीरो, एज अ प्रोड्यूसर, मतलब ही डिड वेरियस थिंग्स एंड ही एंजॉयड हिज लाइफ। कुमार गौरव उनके बेटे रहे और कुमार गौरव ने भी काफ़ी अच्छा काम किया कुछ फिल्मों में। देवेंद्र गोयल साहब ने उन्हें पहला ब्रेक दिया 1955 में, उस फिल्म का नाम था वचन। और आपको पता है उस पूरी फिल्म में एज अ हीरो जब उन्होंने काम किया तो उन्हें कितना मुआवजा यानी कॉम्पनसेशन मिला? उस फिल्म के लिए उन्हें 1500 रुपीज़, इंडियन रुपीज़, पूरी फिल्म का काम करने को मिला। यानी अगर आप हिसाब लगाएं तो यहाँ के हिसाब से लगभग $20-$30 मैक्सिमम। सोचिए $30 में उन्होंने पूरी फिल्म में एज ए हीरो काम किया। एक तड़प, एक आग होती है कि मैं अपने आप को प्रूव करूं, उसके बाद मैं चाहूं वो पैसे मांग सकता हूं। अक्सर ये होता है विद न्यू कमर्स एंड ख़ास करके उस वक्त जब न्यू कमर्स के कोई बाप, दादा, माँ, भाई, बहन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होते थे या किसी का कोई गॉड फादर नहीं होता था। अब राज कपूर साहब का अलग था क्योंकि उनके जो पिताजी पृथ्वीराज कपूर ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे एंड ही यूज़ टू डू स्टेज प्लेज एंड ड्रामास, तो उनको एक थोड़ा सा हेल्प मिल जाता था। लेकिन राजेंद्र कुमार साहब का तो कोई नहीं था। ऐसे कई आर्टिस्टों के साथ में होता है और होता रहेगा जब तक आपके पास कोई गॉड फादर ना हो, एक गॉड फिगर ना हो जो आपको पीछे से बैक करे। उसके बाद उनकी ये जो पहली फिल्म मैंने आपको बताई वचन, इट वॉज अ सिल्वर जुबली हिट। यहाँ से राजेंद्र कुमार को लोगों ने नोटिस किया। 1957 में उन्होंने एक फिल्म की मदर इंडिया, जिसमें उन्होंने नरगिस जी का बेटे का रोल किया। और यहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है ऑफ द दत्त फैमिली एंड द कुमार फैमिली। एक अलग से रिलेशन उनका बढ़ गया था, एक घर जैसा माहौल दत्त फैमिली और कुमार फैमिली में हमेशा रहा और आज भी है। क्योंकि आज अगर आप देखें कुमार गौरव इज़ मैरिड टू संधि दत्त सिस्टर, तो एक रिलेशन सा बन गया और रिलेशन उस वक्त से चला आ रहा था फ्रॉम द टाइम ऑफ मदर इंडिया। उसके बाद 1959 में उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। और गूंज उठी शहनाई का जो एक गीत है जो आज भी बड़ा पॉपुलर है वो है तेरे सुर और मेरे गीत। यानी ये तालमेल, तालमेल जो होता है ना, मतलब अगर मेरा सुर बेताला होगा तो आपके गीत क्या कर लेंगे, लेकिन सुर और ताल जब मिलते हैं, दो प्यार करने वाले मिलते हैं और प्यार करने की बात होती है और दोनों का एक ही लेवल होता है समझने का, तो फिर प्यार आगे बढ़ता है। और इसी बात को लेकर ये गाना बना था, तेरे सुर और मेरे गीत। तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत। 1960s वो एक ऐसा पीरियड था व्हेन ही रीच्ड टू द पीक ऑफ हिज करियर। और वहाँ जाकर एक ऐसा वक्त आया कि उनकी 6-7 फिल्में सिल्वर जुबली हिट्स हुई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम दिया गया और वो था जुबली कुमार। जी हाँ, जुबली कुमार। आप सोचेंगे ये राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार, ये फिल्म इंडस्ट्री का एक उसूल है। वो किसी को भी कुछ भी नाम दे देते हैं, अगर किसी का कुछ काम पसंद आ गया तो नाम देना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह जबकि इनकी 6-7 फिल्में जब हिट हुई एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, और ना सिर्फ हिट, सिल्वर जुबली हिट्स हुई, क्योंकि उस वक्त इतने 7 पायदान में एक के बाद एक कभी हिट नहीं होती थी, तो इनका नाम हो गया जुबली कुमार। और उनकी जो हिट्स थी उसमें से धूल का फूल 1959, दिल एक मंदिर 1963। और दिल एक मंदिर की बात करते हैं तो उसमें एक गाना था, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। देखिए ना, ये पोइट्री देखिए, यानी आप सोचिए अगर कोई रात को रोक सकता है, नहीं रोक सकता। क्या हम चांद को बोल सकते हैं कि रुक जा? नहीं। लेकिन उस वक्त की पोइट्री ऐसी थी, उस वक्त का लिखने का अंदाज ऐसा था कि
इंसान एक अलग सी दुनिया में चला जाता था। उस वक्त के गीत जब लिखे जाते थे तो वो स्टोरी के साथ में चलते थे, ना सिर्फ ऐसा ही कहीं भी कुछ भी डाल दो और चला दो गाने। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी उसके बाद दिलेक मंदिर के बारे में हमने बात किया विद मीना कुमारी द एटर्नल ब्यूटी। 63 में मेरे महबूब, आ हा हा मेरे महबूब, रफ़ी साहब का गाना और मेरे महबूब का टाइटल सॉन्ग मेरे महबूब, कयामत होगी, कयामत ही हो गई जनाब, कयामत ही हो गई इस फिल्म ने। इस फिल्म ने जो बिजनेस किया, मतलब उस वक्त इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। और आज मैं यकीन के से कहता हूँ कि रफ़ी साहब का कोई भी प्रोग्राम हो जिसमें रफ़ी साहब की बात हो और मेरे महबूब गाना ना हो उस प्रोग्राम में, ये हो ही नहीं सकता। ना सिर्फ ये बल्कि रफ़ी साहब को जो कॉपी करते हैं, जो एप करते हैं, वो अक्सर ये गाने के साथ में अपने करियर की शुरुआत करते हैं कि गाने में रफ़ी साहब ने जो हिसाब से इसे गाया है और इसे समझाया है, मज़ा आ गया। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी, मेरे महबूब। संगम विद राज कपूर इन 64, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कहीं तुम नाराज ना होना। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम मेरी जिंदगी हो, के तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम मेरी जिंदगी हो, के तुम मेरी बंदगी हो। प्रेम पत्र, पत्र यानी लेटर, कुछ सुना सुना लगता है ना। आज की दुनिया में जब ईमेल और जीमेल्स और ये सब चलते हैं, पत्र किसने कब लिखा था मुझे तो याद नहीं। अगर आपको याद हो तो हमें जरूर बताइएगा कि आपने लास्ट किसको लिखा था और क्या लिखा था। उसके बाद उनकी जो फिल्में जो हिट हुई उसमें थे सूरज, तलाश, आरजू, आई मिलन की बेला, और आई मिलन की बेला से वो जो गाना था तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। लेकिन कहते ना जिसको भी उम्र लगती है उम्र कहीं ना कहीं जाके ढलती जरूर है। और 70s में ऐसा हुआ कि राजेश खन्ना साहब ने एंट्री मारी और यहाँ राजेंद्र कुमार साहब का डिक्लाइन शुरू हुआ। ना सिर्फ राजेश खन्ना साहब ने उनसे अच्छी अच्छी फिल्में ले ली, मतलब उनके हिसाब में मिली उनको मिली, बल्कि उनका जो बंगला था डिम्पल कार्टर रोड पे, वो भी राजेश खन्ना साहब ने ले लिया। ऑफकोर्स ही पेड मनी फॉर इट और उसका नाम आशीर्वाद रखा। फिर जाके लेटर ऑन इन हिज करियर ही एक्टेड इन अ फ्यू टीवी सीरियल्स ऑल्सो, अंदाज, वंश इन 1995। और जैसा कि मैंने बताया कि ही वॉज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑल्सो, कुमार गौरव जो उनका बेटे उनको इन्होंने लॉन्च किया एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर विद द फिल्म कॉल्ड लव स्टोरी। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना, और प्यार यहाँ है तू कहाँ है, मैं आया आया आ गया आ गए। कुमार गौरव साहब की एंट्री इन्होंने करवा दी।
उसके बाद इन्होंने कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, और जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि दत्त साहब के साथ में, फैमिली के साथ में इनका काफ़ी अच्छा मेल जोल रहा। तो संजय बाबा के साथ में, संजय दत्त के साथ में उन्होंने एक फिल्म बनाई 1986 में, जिसका नाम था नाम। जी हाँ, नाम फिल्म। और नाम फिल्म में गाई गई ये गज़ल पंकज उदास साहब की आवाज़ में, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। आज भी जब वो गज़ल सुनते हैं हम, तो जो हम परदेश में रहते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू निकल आते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेश को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू, कम खाते हैं कम सोते हैं बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। इसी तरह एक छोटा मोटा कैरियर लेकर हमारे साथ में रहे राजेंद्र कुमार साहब। ये तो भी कल की बात है, आज की बातों में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। अक्षय कुमार पिछले कई वक्त से कुछ अलग अलग फिल्में कर रहे हैं। ही इज डूइंग फिल्म्स विच हैज गॉट अ मैसेज इन देम। वो रन ऑफ द फिल्म्स से नहीं कर रहे हैं, थोड़ा हट के कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा रुस्तम, एयरलिफ्ट, और एक फिल्म आ रही है उनकी टॉयलेट एक प्रेम कथा। ये इस पर बेस्ड है कि गांवों में आज भी हिंदुस्तान के और कई शहरों में, पाकिस्तान वगैरह में, कि जो रिमोट एरियाज है, मतलब देर आर नो टॉयलेट्स इन द हाउस, पीपल हैव टू गो आउट, और इसी को लेकर ये फिल्म बनी है टॉयलेट एक प्रेम कथा। कॉमेडी भी है, लव स्टोरी भी है, और किस तरह से अक्षय ने इसको पूरा मॉड्यूलेट किया, इट इज़ वर्थ सीइंग। उसके बाद एक फिल्म आ रही है हसीना। हसीना ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन दाऊद, जो दाऊद हैं, जो मतलब जिनके बारे में इतना बहुत कहा जाता है, उनकी सिस्टर के बारे में, हसीना पारकर, और किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया या ना किया, किस तरह से उन्होंने बॉम्बे को संभाला या क्या किया, उसके बेस्ड पर पूरी है। बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही है, एंड दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फिल्म, नॉट ओनली बिकॉज वी हैव श्रद्धा कपूर इन देयर। श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में अपने भाई सिद्धांत कपूर के साथ में काम किया है, जो दाऊद का रोल कर रहे हैं। उसके बाद आ रही है बादशाह, उसमें हमारे साथ में होंगे इमरान हाशमी, अजय देवगन, इलियाना डिक्रूज। बादशाह का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि 40 साल पहले नुसरत साहब ने एक कव्वाली गाई थी, मेरे रश के कमर, और उसी कवाली को राहत साहब ने इस फिल्म के लिए गाया है, और वो पिक्चराइज किया गया है ऑन इलियाना डिक्रूज एंड अजय देवगन।
बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी कवाली है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और उम्मीद करता हूँ कि फिल्म ही उतनी अच्छी होगी जितनी ये सब कवाली और ये बातें होती हैं। याद रखिएगा, आप ये देख रहे हैं शो जिसका नाम है फिल्मी बातें। नीचे एक ईमेल एड्रेस आ रहा है, हम चाहेंगे कि आप हमें ज़रूर लिखकर बताएं, हमें ईमेल करें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, और वी वुड लव टू हैव सम फीडबैक फ्रॉम योर साइड एंड गेट टू नो यू मोर बेटर। And you can watch a new episode, a fresh episode, every Sunday, only and only on Houston Live Network. आपसे इजाजत लेता हूँ इसी उम्मीद के साथ में कि अगले एपिसोड में एक नए किरदार के साथ में आपकी और मेरी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।